देश भर में करीब 7 चरणों के तहत लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। वहीं अब लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद चल रही है। इस बीच सभी सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई जाएगी। हालांकि इस बीच 2 सांसद ऐसे भी चुने गए हैं जो जेल में बंद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि इन सांसदों को शपथ कैसे दिलाई जाए। तो चलिए जानते हैं ऐसी परिस्थितियों में क्या है नियम और कैसे शपथ दिलाई जा सकती है। मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आतंकवाद के आरोप में जेल में बंद हैं दोनों सांसद, जिससे आगामी दिनों में गठित होने वाली 18वीं लोकसभा के लिए असामान्य स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि कानून के तहत उन्हें नए सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी, फिर भी उन्हें संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने का संवैधानिक अधिकार है। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद पंजाब की खडूर साहिब सीट पर अमृतपाल सिंह ने जीत दर्ज की। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोपी शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद ने जीत दर्ज की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जेल में बंद इन नव निर्वाचित सांसदों को शपथ लेने की अनुमति दी जाएगी, यदि हाँ तो कैसे। इस विषय में शामिल कानूनी पहलुओं को समझाते हुए संविधान विशेषज्ञ और पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने ऐसे मामलों में संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संसद सदस्य के रूप में शपथ लेना एक संवैधानिक अधिकार है उनका, और आचार्य ने यह भी कहा है कि चूंकि वो फिलहाल जेल में है, इसीलिए इंजीनियर राशिद और अमृतपाल सिंह को शपथ ग्रहण समारोह के लिए संसद तक ले जाने के लिए अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। शपथ लेने के बाद उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा। तो ये थी अभी की खबर। ऐसी तमाम अपडेट्स हम आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया टीवी के साथ।